राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज का व्लॉग शुरू होता है सुबह कहाँ गई घड़ी, ये है 10 बजे से। तो 10 बज चुके हैं और हम लोग पूजा पाठ करके आ गए हैं मंदिर से। मंदिर जाते हैं डेली और शुभ स्कूल चला गया है, खुशी टीवी देख रही है और शुभ के पापा नहा रहे हैं, भैया ऑफिस चले गए हैं। हम और दीदी पूजा कर चुके हैं और बस अब जो है शुभ को लेने जाऊंगी मैं थोड़ी देर बाद, नाश्ता वाश्ता करके और भगवान की पूजा हो गई। मैं दिखाती हूँ अपने भगवान जी, और आज भगवान जी की है छठी, तो पहले मैं भगवान जी दिखा दूँ। तो ये हैं हमारे कृष्ण भगवान, जोत अभी जल रही है, बस गई जोत गई। तो देख सकते हैं आज है कृष्ण भगवान की छठी। तो हम लोग जन्म तो करते नहीं हैं और छठी भी नहीं मनाते हैं, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि भगवान जी को आज छठी पे भोग लगा दूँ, जो भगवान जी खाते हैं छठी पे। क्योंकि हमारे भी कृष्ण कन्हैया को जो है कढ़ी बहुत पसंद है, यानी कि हमारे शुभ को, तो इसी बहाने हमारे शुभ को भी मिल जाएगी। तो आज मैं बनाऊँगी कढ़ी शाम को। और इधर माता रानी की भी जोत जल रही है, ये देख सकते हैं माता रानी की भी जोत जल रही है अभी, क्योंकि बस अभी भी हम लोग मंदिर से आए हैं, जो चला के गए थे घर में पूजा करके। और दीदी करने जा रही हैं अपना पाठ, तो दीदी पाठ कर लेंगी। तो देख सकते हैं आप लोग पूजा जो हो गई है, बस दीदी पाठ कर लें, उसके बाद हम लोग करेंगे नाश्ता। और ये देखिए, मैं ये कड़ी पत्ता है कड़ी में डालने के लिए, मंदिर में लगा हुआ है, तो मैं वहाँ से थोड़ा सा तोड़ लाई थी, ज़्यादा नहीं। तो आज शाम को बनाएंगे कढ़ी वगैरह और मैं दिखाऊंगी मैंने क्या बनाया है। और शुभ तो बहुत ही खुश हो जाएगा, क्योंकि उसको कढ़ी बहुत पसंद है, अगर रोज़ दे दो तो वो रोज़ खा ले। तो चलिए मिलते हैं आपसे। तो फ्रेंड्स, नाश्ता वाश्ता करके मैं निकल आई हूँ घर से। मैं नाश्ता करते समय नहीं दिखा पाई क्योंकि बहुत लेट हो रहा था, और नाश्ते में किया था मैंने आलू के पराठे खाए थे, जो कि दीदी ने बनाए थे, मेरी जिठानी ने। और शुभ को लेने आ गई हूँ। मौसम इतना बेकार है, 2 दिन से तो बहुत बारिश हो रही है, मतलब भारी बारिश हो रही है, कि बाढ़ वगैरह भी आ गई है। और कल तो स्कूल बंद थे सबके, और शुभ के चल रहे हैं यूनिट टेस्ट, तो कल से स्टार्ट थे पर कल तो स्कूल बंद हो गया था बारिश की वजह से, हैवी रेनफॉल। तो आज है और मैं इसीलिए छाता और रेनकोट सब लेकर जा रही हूँ, क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं। देख सकते हैं आप, अभी बादल छाए हैं पर उमस भी हो गई है काफ़ी। तो चलिए शुभ को ले लेते हैं, फिर चलते हैं घर। ये एरिया मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि धूप में यहाँ पे रहती है, छांव पेड़ वेड़ बहुत सारे हैं। बोलो ना। हाय फ्रेंड्स, शुभ स्कूल से लौट आया है। अरे शुभ स्कूल से लौट आया है, और शुभ के लिए आज शुभ का फेवरेट चीज बन रही है, क्या बताओ? कढ़ी बन रही है, मतलब शाम को बनेगी तो सब खुश हो चुका है। दुपट्टा फिसले जा रहा है आज, स्लिप कर रहा है। आज तो दुपट्टा ना रॉकेट जैसे उड़ जा रहा है। तो चलिए हम लोग घर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, दिन में आके मैं भी थोड़ा लेट गई थी और शुभ भी आराम कर रहा था, शुभ तो सो ही गया था। खाना वाना खाया था तुमने शुभ को पहले ना? हाँ खाना, सॉरी खाया था इसने, भूल गई मैं भी। और अभी शुभ बैठा है पढ़ने के लिए, ये देख सकते हैं आप, और इनकी मम्मी पढ़ा रही हैं। तो बज गए हैं शाम के 6 और मैं एकदम से नहा धो चुकी हूँ फिर से, क्योंकि बनाना था प्रसाद, मतलब छठी के लिए भोग, तो वही मैंने जो है मतलब चढ़ा दिए, कढ़ी चढ़ा दिए, दाल पीस ली है बड़े बनाने के लिए। और आज तो लहसुन प्याज बिल्कुल पड़ेगा ही नहीं खाने में, क्योंकि भगवान को भोग लगेगा। तो मैं बना रही हूँ, मैं दिखाती हूँ आपको। शुभ कर रहा है अपना होमवर्क,
तो ये कढ़ी मैंने अभी ऐसे ही चढ़ा दी है, ये खोलती रहेगी, उसके बाद मैं इसको छौंकूंगी। और यहाँ पे मैंने पीस दी है दाल, तो ये दाल पीस के रख दी, बहुत ज़्यादा नहीं पीसा है, बनाऊंगी मतलब बहुत ज़्यादा दाल नहीं भिगोया था, क्योंकि जो है अभी कहीं बड़े बने थे रक्षाबंधन में, तो बस पूजा के लिए बनाऊंगी और थोड़ा बहुत प्रसाद जो होगा। और ये थोड़े से बर्तन है, पहले मैं इसको धो लेती हूँ जब तक, और उसके बाद मैं करती हूँ तैयारी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले मैं कर लूँगी दही बड़े के लिए दही तैयार। तो उसके लिए मैं जीरा और जो है लाल सूखा मिर्चा भून के पीस लूँगी ताज़ा ताज़ा, तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो मैं ऐसे ही चकले पे पीस ले रही हूँ, क्योंकि मेरा सिलबट्टा टूट गया है, तो मैं इसमें पीस के मिला दूँगी और नमक मिर्च वगैरह सब मिला के इसको रख दूँगी दही को। और उसके बाद मैं बना लूँगी बड़े, तो बड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ चढ़ा दी है कढ़ाई, और इधर मैं दही भी तैयार कर रही हूँ, और साइड में मेरी कढ़ी भी चढ़ी हुई है, क्योंकि कढ़ी बनने में मेरी बहुत टाइम लगता है, तो वो धीरे धीरे पकती रहेगी। और दाल यहाँ हो चुकी है बहुत गीली दही बड़े की, क्योंकि बहुत ज़्यादा दाल नहीं थी, तो इस वजह से वो मुझे अंदाज़ा नहीं आया और पानी ज़्यादा हो गया। तो मैं ऐसे ही पकौड़े की तरह बड़े बना दे रही हूँ, क्योंकि उस तरह से बन ही नहीं पाएंगे, काफ़ी गीली हो गई थी, तो मैं इसी तरह छोटे छोटे बड़े बना दे रही हूँ। और एक साइड धीरे धीरे मेरी कढ़ी भी पकती रहेगी, क्योंकि उसको बहुत टाइम लगेगा, और जब तक वो पकेगी नहीं अच्छे से तब तक जो है स्वाद नहीं आएगा। तो इधर मेरे बड़े हो गए हैं लाल, थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, गीली दाल है, लेकिन हो जा रहा है। और छोटे छोटे तो ठीक ही हैं, क्योंकि भगवान को भोग लगाना है, तो छोटे छोटे दही बड़े ज़्यादा अच्छे लगेंगे। और इसी तरह मैं दही में भिगो दूंगी जब तक बड़े फूल जाएंगे दही में, और बाकी का भी मैं बना लूंगी। और उधर मैं पकौड़ी के लिए बेसन घोल के रख दिया है, कि बड़े बनाने के बाद तुरंत उसी कढ़ाई में मैं बना दूंगी पकौड़ी कढ़ी के लिए, तो सब काम अच्छे से हो जाएंगे। तो बड़े बनने के बाद इधर मेरी बन गई है पकौड़ियाँ, देख सकते हैं आप, सिंपल पकौड़ी बनी है, और इधर कढ़ी भी हो रही है, इसको भी मैं बीच बीच में चलाती जा रही हूँ। और पकौड़ी के बनने के बाद मैं बना दूंगी दो पूड़ी भगवान जी के लिए, और बाकी खाने के लिए बाद में बनाऊंगी, क्योंकि जो है भगवान जी को भोग लगाना रहेगा। तो दो पूड़ी बनाने के बाद मैंने इधर कर ली है कढ़ी छौंकने की तैयारी, और कढ़ी पत्ता और ये लाल मिर्च सूखा, और उसी तेल में मैं जो है डाल दूंगी, क्योंकि कढ़ी भी बनके हो गई है ऑलमोस्ट रेडी, बस छौंका लगाने की ज़रूरत है। तो तेल भी गर्म है, तो मैं इसी में जो है छौंका लगाऊंगी। तो सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी मेथी, मेथी से बादी नहीं होती है, क्योंकि बेसन में काफ़ी बादीपन रहता है। तो मेथी डालने के बाद मैं डाल दूंगी राई, और इसके बाद जो है मैं डाल दूंगी हींग। हींग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंड्स कढ़ी में, और ये कढ़ी पत्ता और लाल मिर्ची सूखी, और ये सब जो है लाल होने के बाद मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी लाल कश्मीरी मिर्च, जिससे कलर बहुत अच्छा आता है। और ये सब जो है लाल होने के बाद मैं लगा दूंगी तड़का या कि छौंका, तो ये देख सकते हैं आप, कढ़ी में मैंने लगा दिया है छौंका, और कितना अच्छा कलर आया है देख सकते हैं, और खाने में भी स्वादिष्ट है उतनी ही जितना देखने में अच्छी लग रही है। तो किसके किसके मुँह में पानी आ रहा है ज़रूर बताइएगा मुझे। तो फ्रेंड्स मैं इसी तरह से बनाती हूँ कढ़ी, और ऊपर से डाल दूँगी मैं ये धनिया हरी, तो अच्छी लग रही है ना। और इधर मेरे दही बड़े भी फूल गए हैं, तो इसमें भी मैं डाल दूँगी हरी धनिया, जिससे देखने में और खूबसूरत लगेंगे। और ये हो गई है तैयार हमारे भगवान जी की थाली। मैं एक चीज़ भूल गई थी, दही बड़ा सॉरी सूखा बड़ा और सूखी पकौड़ी निकालना, तो कोई बात नहीं, भगवान जी जो है भाव देखते हैं, मैं चाहती तो थी लेकिन भूल गई, तो भगवान जी सिर्फ भाव देखते हैं, कितना आइटम है ये नहीं देखते हैं, 56 प्रकार भी आप रख दो। तो ये मेरे भगवान जी की थाली है तैयार। तो भगवान जी होते हैं सिर्फ भाव के भूखे, तो अब लगा देंगे थोड़ा ठंडा करने के बाद भगवान जी को भोग। तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले जो है जला देंगे ज्योत भगवान जी की, और उसके बाद लगाएंगे भोग। तो ये जल गई है हमारे कृष्ण कान्हा जी की ज्योत, तो ये देखिए बैठे हैं सारे भगवान जी यहाँ पे। तो अब लगाएंगे भोग, तो उनके भोग में तुलसी दल रखना बहुत ज़रूरी होता है, तो ये देखिए पूरे खाने में तुलसी दल रखा है। तो यहाँ पर दीदी खिला रही हैं अपने लड्डू गोपाल को खाना, तो देख सकते हैं आप।
हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, राधे राधे। आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन। जो बच्चों से भूल हुई बालक जान, क्षमा करो मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन। तो भोग लगाने के बाद पिला देंगे जल भगवान जी को। कैसी बनी है? अच्छी है? अच्छी। ये देखिए हमारे लड्डू गोपाल को लग गया है भोग। मजा आया? मजा आ रहा है, है? ये देखिए ऐसे खाना खाता है तारक मेहता देख के। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने अपना भी खाना ले लिया है और हम लोग सब लोग साथ में बैठ के खाएंगे। तो फ्रेंड्स खाना वाना हो गया है और जब भगवान का भोग होता है तो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, तो आज बहुत अच्छा लगा। तो इस तरह से कुछ हुई हमारे घर में छठी भगवान जी की। तो अब सोने की तैयारी करेंगे। तो ये वाला वीडियो अब मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको बाय बाय, राधे राधे।